सो दोस्तों, ये क्वेश्चन बीएसएससी 2020 का है, ठीक है, 2020, ठीक है। तो इसको अंडर एस्टिमेट आप लोग बिल्कुल मत करो, क्वेश्चन पर पॉज करो और बनाओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार संख्याएं, ठीक है। 17 लगातार संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका जो सम है, सम मतलब योग, वो कितना है, इतना है, ठीक है। अनदर सम, द सम ऑफ अनदर 10 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि सम ऑफ योग 10 दूसरी संख्याओं का जो योग है, जो कि सम है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों के लिए बता रहा हूँ, हुज फर्स्ट नंबर इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ एवरेज ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। यानी कि जो देखो यहाँ पे दो सेट है, तो पहले वाला में 17 डिजिट है, दूसरे वाले में 10 है, ठीक है। इसका जो एवरेज निकलेगा, इसमें अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो इसका पहला नंबर निकल जाएगा। यही पूछ रहा है हुज फर्स्ट डिजिट इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर। अगर इसका जो एवरेज निकालोगे उसमें प्लस ऐड करोगे तो 5 ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा, यानी कि इसका एवरेज से 5 ज्यादा इसका पहला नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसका एवरेज कैसे निकालोगे, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाई नंबर। तो सम ऑफ टोटल नंबर दिया हुआ है, सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इनका जो एवरेज आएगा वो क्या जाएगा, 17। तो इसका जो एवरेज 17 है और फर्स्ट नंबर 5 ज़्यादा है इससे 17 से, तो फर्स्ट नंबर 22 हो जाएगा, ठीक है। और अब निकालना है इन 10 कंसेक्यूटिव नंबर का योग, यानी कि सम। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस, क्योंकि ये एक एपी के फॉर्म में, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि 10वां टर्म इसका 31 होगा, 32 नहीं होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम है, बस आंसर आ जाएगा। अगर इस पार्ट में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो उसके लिए आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो एपिसोड ट्रिक्स का, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, थोड़ा समझाने के लिए आपको। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। अब हमें इनका सम निकालना, चूंकि ये दो दो का डिफरेंस है तो ये एपी में कहलाता है। तो इनका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम होगा, जैसे मैंने अभी किया इसमें इसके साथ, क्योंकि ये भी एक एक का डिफरेंस है तो एपी में है, ये भी दो दो का डिफरेंस है तो एपी में। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 5, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30। क्या इनका आप मुंह से सम करोगे 30 आएगा, हाँ एकदम आएगा, तो सिमिलरली इसका भी आएगा। तो अभी ये शॉर्ट सा, इससे आप डिटेल में अगर समझना चाहो और भी बहुत कुछ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एपी शॉर्ट ट्रिक मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। चलो, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको।